In this example, consider a uniform electric field 3 into 10 raised to power 3 newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of side 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane? B pardon What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle? विद द एक्सेक्स तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फिजिकल सिचुएशन इसकी ड्रा करने वाले हैं देखें यहां ध्यान से तो इस तरह से हमारे पास एक थ्री डी प्लेन बनाएंगे हम लोग यहां पे ये यह अगर हम लोग यहां पे थ्री डी प्लेन बनाते हैं ये आपका आ गया जी एक्स डायरेक्शन और ये आपका आ गया यहां पे ये दूसरा प्लेन बना लिया हमने इसको मान लीजिए यह आपकी एक्स डायरेक्शन और ये आपकी है वाई डायरेक्शन और ये आपकी है जेड डायरेक्शन इस तरह से ये एक्स वाई और जेड है यहां पे इसने बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको एक्स डायरेक्शन में दी है इस तरफ दी है ई e दी हुई है आपको थ्री इंटू टेन रेस्ट पावर थ्री आई कैप यूनिट यूनिटर दिया है है आई होता यूनिट एक्स एक्सिस तो इतनी वैल्यू दी है आपको एक्स डायरेक्शन में और क्या बोल रहा है ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म यहां पे बोल रहा है एक स्क्वेयर रखा है जिसकी साइड है टेन सेंटीमीटर और किस तरह रखा है वो पैरल टू वाई जेड प्लेन इस प्लेन के पैरल होगा ये प्लेन दिख रहा है आप लोगों को इस प्लेन के पैरेलल प्ले, होगा क्योंकि ये क्या है वाय जेड प्लेन है तो यहाँ पे इस तरह से हम अलग से बना लेते हैं इसको इस तरह से आपको दिया हुआ ये ये दिया है बच्चे आपको ये एक स्क्यूअर दिया है ठीक है और इस स्क्यूअर का ये आ गया जी हमारे पास इस तरह से बनाते हैं ये इसका एरिया होगा स्क्र का क्या आ गया ये एरिया होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इस तरफ है e किस किस डायरेक्शन डायरेक्शन में में है इस में? और हमें पता है कि इस सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका एरिया एलिमेंट एरिया किस तरफ होगा हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है तो उसके नॉर्मल होगा मान लो ये आ गया आपके पास ए वैक्टर ए वैक्टर भी उसी तरफ है और ई e वैक्टर भी उस तरफ है क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से आ रही है इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस की जो साइड लेंथ दी हुई है आपको कितनी दी है टेन सेंटीमीटर तो हमें बताया क्या बोल रहा है फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर तो फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हमें ए पार्ट में हम देखेंगे फ्लक्स फ्लक्स थ्रू सरफेस फ्लक्स थ्रू द ठीक है? स्क्र से कितना फ्लक्स निकलेगा हमें फ्लक्स का क्या, होता है? E e S, क्या है हमारे पास फाइव टू ई डॉट एस ई डॉट एस और यहां पे एस क्या हमारे पास एरिया एरिया कितना लिया हो हमने ए तो हम यहां लिखेंगे ई डॉट ए डॉट ए आपके पास आ गया और ये डॉट प्रोडक्ट है तो आप इसको लिख सकते हो ई ए कॉस डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों थीटा तो है, है? है. है तो बराबर ही होगी तो ई e की वैल्यू इसने दी है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाई एरिया टेन सेंटीमीटर में तो एरिया कितना होगा साइड का स्क्वायर बोले तो ए स्केर इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्यर ए कितना हमारे पास यहाँ पे जीरो पॉइंट वन अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो इसका स्क्र करें तो यहां से जो फ्लक्स आ रहा है आपके पास उसकी वैल्यू आ रही है थर्टी न्यूटन मीटर स्क्र पर कूलम यह आपके पास आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटर पर कूलम और एरिया का होगा मीटर स्केयर तो इतना फ्लक्स पास हो रहा है यहां से तो ये एक आंसर आ गया आपके पास अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ये जो स्केयर है इस स्केयर को इसने क्या किया हुआ है नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल पे ले आया है और जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है किसके साथ बन रहा है फिर x एक्सिस तो मतलब ये इस तरह से था नॉर्मल था अभी अभी इसकी पोजीशन इस तरह से कर दी मान लो इसने ये ऐसे कर दिया इन्होंने टिल्ट कर दिया ये ऐसे टिल्ट कर दिया पहले इसकी पोजीशन इतनी थी ऐसे था नॉर्मली और अब ये एक्स डायरेक्शन के साथ इसका जो एरिया होगा एरिया हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस अब ये सरफेस है तो इसका जो एरिया होगा बच्चे उस एरिया की डायरेक्शन होगी इस तरफ ये होगी एरिया की डायरेक्शन और यहां पे इसने क्या बोला है ये जो एरिया है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है और एक्स डायरेक्शन के साथ ये एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्री क्योंकि यहां ये जो थीटा होता है थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल होता है तो यहां से पार्ट बी में हम लोग अगर देखें यहां पे तो हमें निकालना है फ्लक्स 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 थ्रू दया लिख सकते हैं इसको टिल्ट लिख देते हैं टिल्टेड एरिया जो एरिया आपने क्या किया हुआ है टिल्ट किया हुआ है फ्लक्स थ्रू टिल्टेड एरिया ये कितना आ जाएगा हमारे पास फाइव की वैल्यू होती है ई ए थीटा और ई e ए कितना है साइड का स्क्वायर

मीटर स्क्वायर अपान कोलम ये आंसर आ गया हमारे पास तो यहाँ पे ये यह ध्यान देना है कि जो एरिया एलिमेंट होता है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है पहले इस तरह से रखा होता है तो सरफेस के अला ही इस तरह से है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से चल रही है एक्स डायरेक्शन में